एक मित्र ने पूछा है, कृपया नो मैन्स लैंड के बारे में थोड़ा विस्तार से बताने की कृपा करें। मैंने साक्षी समझाते हुए बताया था कि हम आकार में जीते हैं और भीतर निराकार है। जैसे दो देश, भारत नेपाल, अमेरिका कनाडा, तो अमेरिका से कनाडा जब जाओगे तो बीच में नियाग्रा नदी है। ना वो अमेरिका की है ना वो कनाडा की है, वो नो मैन्स लैंड। ऐसे ही भारत और नेपाल के बीच में करीब 100 मीटर की जो जगह है, ना वो भारत का है ना नेपाल का है, उसको कहते हैं नो मैन्स लैंड। ऐसे ही जब अपने भीतर जाओगे तो फिर शुरू में तो शरीर है, शरीर के अंदर, शरीर तो आकार है ही, लेकिन भीतर जो अंतर जगत है, विचार चल रहा है, वह भी आकार का हिस्सा है। माना सूक्ष्म है, सांस चल रही है, वह भी आकार का हिस्सा है। कुछ भाव उठ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, भय, यह भी आकार है। माना कि सूक्ष्म है, जैसे मान लो पानी है, बर्फ भी आकार है, जल भी आकार है, और भाप है वो भी आकार है। ऐसे ही आकार, शरीर भी आकार है, मन भी आकार है, हृदय भी आकार है, इंद्रियां भी आकार है, सांस भी आकार है, भाव भी आकार है, ये अंतर जगत। और उसके बाद निराकार, और ये निराकार अंतराकाश में बदल जाता है। लेकिन निराकार और अंतर जगत के बीच कहना मुश्किल है कि यहाँ लहर है या नहीं है। ऐसा स्पष्ट डिमार्केशन नहीं मिलता कि यहाँ तक अंतर जगत और यहाँ, क्योंकि अंतर जगत जैसे जैसे भीतर जाओगे लहरें कम होती जाती हैं। बिल्कुल जीरो लहर कहाँ हो गई, ऐसा बड़ा मुश्किल है डिसाइफर करना। तो उसको कह सकते हो नो मैन्स लैंड, अर्थात न तो निराकार में तुम अभी अंदर गए हो और ना तो अंतर जगत में ही हो, कहीं जाते समय ट्रांजिशनल हो जहाँ पर, और वहाँ स्थित होकर जब अपने निराकार को देखते हो तो उस स्थिति का नाम ध्यान है। इसलिए ध्यान में ये पता रहता है कि तुम ध्यान में हो। क्यों? जैसे गंगा बह रही है, तुम तट पर खड़े हो करके और गंगा को बहते हुए देख रहे हो, लेकिन अभी गंगा में उतरे नहीं हो, अभी गंगा में डुबकी नहीं लगा रहे हो, वो ध्यान की स्थिति है। गंगा की सतह को तुम देख रहे हो। ऐसे उस नो मैन्स लैंड में विराजमान होकर, बिल्कुल निराकार के तट पर विराजमान होकर तुम निराकार को देख रहे हो, और तुम्हें मालूम है कि हम तट पर खड़े होकर गंगा को देख रहे हैं। इसलिए ये ध्यान की स्थिति है जिसमें प्रति है, होश है, लेकिन किसके प्रति होश है ये पता है। लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम गंगा में उतर गए, तट को छोड़ दिया, गंगा में तुमने डुबकी लगा ली, तुम भीतर चले गए और समाधि में चले गए, वहाँ होश है, लेकिन किसके प्रति होश है अब ये मालूम नहीं है, क्योंकि तुम पानी के अंदर हो, तुम अंतराकाश में चले गए हो। होश है लेकिन किसके प्रति होश है ये मालूम नहीं पड़ता, उस स्थिति का नाम समाधि है। लेकिन जब ध्यान कर रहे हो तो उसमें तुम डुबकी नहीं लगा रहे हो, तुम नो मैन्स लैंड में तुम्हारी चेतना स्थिर है और वहाँ पर तुम ध्यान में गए हो। इसलिए तुम्हें मालूम भी है कि मैं निराकार के प्रति जागा हुआ हूँ, ये स्थिति पता है। तो ऐसा कह सकते हो कि बहिर्जगत जो तुम्हारे शरीर के बाहर है,
चारों तरफ है, संसार है, वो बहिर्जगत है। बहिर्जगत को देख करके तुम्हारे भीतर जो लहरें उठती हैं, जैसे हवाएं बहती हैं तो समंदर में लहरें उठती हैं, जगत की हवाएं तुम्हारे भीतर चेतना में लहर उठाती हैं, वह अंतर जगत का हिस्सा है। लेकिन जैसे समंदर में कितनी भी लहर उठे लेकिन समुद्र की तलहटी तक लहर नहीं जाती है, ऐसे ही तुम्हारे चेतना में कितनी भी लहर उठे, अंतर जगत उस हिस्से को कहोगे जहाँ लहरें उठ रही हैं, उत्तेजनाएँ हैं, विचार हैं, सांस चल रही है। लेकिन निराकार तक पहुँचते पहुँचते जब ऐसी जगह पहुँच जाओ जहाँ कोई लहर तो नहीं है, लेकिन अभी निराकार के देश में तुम गए नहीं हो, और वहाँ बैठ करके उस नो मैंस लैंड में बैठ कर नेपाल को तुम देख रहे हो, नेपाल की इमारतें दिखाई दे रही हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे तुम अपने निराकार का दर्शन कर रहे हो, तो उस स्थिति का नाम नो मैंस लैंड में स्थिति।